गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो सबको सैर करो जल्दी से। सॉरी फॉर द लेट। चलो 10 मिनट्स लेट हो गया। जल्दी सैर करो सबको, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। ओके, मैं रेडी था, मोबाइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। गुड मॉर्निंग, जल्दी से सबको सैर करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आज आईएमपी थियरी है, आईएमपी थियरी आज। अटेंशन बनाए रखना यहाँ पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो तो हम स्टार्ट करें। चलो तो रिफ्लेक्शन के अंदर आज जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है मिरर इमेज। क्या है? मिरर इक्वेशन, सॉरी। आज का जो टॉपिक है वो है मिरर इक्वेशन। चलो तो मिरर इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने भी हेडिंग दे दिया होगा। देखो कल जो मैंने नोट्स देखी उसके अंदर बात करूं तो सब बहुत सारे लोगों ने अच्छा लिखा था, बहुत ही अच्छे से लिखा था। बट कुछ कुछ बच्चों ने अभी भी जो है ना उनकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही ब्यूटीफुल लिखो, मुझे नहीं चाहिए इतना ब्यूटीफुल, बट इतना तो अच्छे से लिखो कि बाद में जब भी कभी आप पढ़ो तो आपको समझ में आए। कुछ बच्चों ने बहुत ही गंदा लिखा हुआ है, वो थोड़ा बहुत सुधारो। मैंने सबको पर्सनली ऐसा नहीं रिप्लाई दिया है, बट वो सुधारो। और दूसरी एक चीज, इस वाले चैप्टर से सीखो कि आपकी फिगर ड्रॉ करने में एक्यूरेसी चाहिए। क्या चाहिए? एक्यूरेसी चाहिए। किसके अंदर? फिगर ड्रॉ करने में। अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो, यहाँ पे सी लिखा हुआ है और यहाँ से आप डिस्टेंस दिखा रहे हो आर, देन ये कैसे हो गया? ये हमारा जो है वो कर्वेचर सेंटर है तो वहां से ही रेडियस आ रहेगी। फिर इस तरीके से अगर रेस निकल रहे, कुछ भी कहीं से भी ड्रॉ कर रहे हो, इसको एरो दिखाओ, एरो नहीं दिखा, एक जगह पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, तो या तो अच्छे से करो या फिर मत करो। एक चीज सीखो, कुछ किसी भी चीज में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो अच्छे से करो या फिर मत करो। हमें दिखाने के लिए नहीं करना है, आपके लिए करवा रहे हैं हम लोग। ओके, तो अब से याद रखो, या तो थोड़ा बहुत भेजो पर अच्छे से लिखो, और जब मैं पढ़ा रहा हूं तब भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए नहीं कि आपके डेटा में सेव रहे, इसलिए कि आप जब रिवीजन करो तो वो स्क्रीनशॉट दे सको, या फिर जब भी एक बार नोट्स कंप्लीट करो तब स्क्रीनशॉट दे सको। इसलिए नहीं कि चालू जब पढ़ाई हो रही है तभी लिखते जाओ, तब नहीं लिखना। अभी पूरा अटेंशन सीखने पे ऊपर दो। अगर सीखने में रह गए तो लिखने के लिए पूरी जिंदगी टाइम मिलेगा, पर सीखने के लिए फिर से टाइम नहीं मिलेगा। एक बार पूरी अटेंशन से देख लो। चलो तो आज जो मुझे जो भी कहना था कल के लेक्चर से वो मैंने कह दिया, फिर दूसरा कुछ समझ में आएगा तो वो भी कहते जाएंगे। चलो अब लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, मिरर इक्वेशन। बिफोर स्टार्टिंग अवर इक्वेशन प्रॉब्लम या फिर इसकी इक्वेशन की डेरिवेशन से पहले कुछ बातें इसके अंदर ही। इमेज किसे बोलते हैं? वर्चुअल इमेज क्या है? रियल इमेज क्या है? कैसे हम इमेज ड्रॉ कर सकते हैं? उन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो इमेज के बारे में बताऊं, इफ रेस या फिर बिंब। रेस देखो, बहुत सारी रेस एक ही जगह पे एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो उसे बिंब बोलते हैं। जैसे टॉर्च में से निकलने वाली सारी रेस को एक साथ लाइट का बिंब बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, इफ रेस इमानेटिंग फ्रॉम वन पॉइंट, लिखने में टाइम मत निकालना, समझने के लिए टाइम दो, वन पॉइंट एंड मीट एट अनदर अनदर पॉइंट बाय रिफ्लेक्शन एंड और रिफ्रैक्शन। देखो रिफ्लेक्शन है और एक रिफ्रैक्शन है। ओके,
एन रे इमेनेटिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड मीट एट अनदर पॉइंट, और अदर पॉइंट, अनदर से ज्यादा अदर पॉइंट, अच्छा अदर पॉइंट बाय रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन, इट्स कॉल इमेज, इमेज ऑफ दैट पॉइंट। चलो तो मैंने इमेज के बारे में बता दिया। इमेज किसे बोलते हैं? अगर किसी पॉइंट से रेस बाहर निकल रही है और किसी और पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रेक्शन के बाद मिल रही है, तो उस पॉइंट के ऊपर वो पहले वाले पॉइंट की इमेज क्रिएट होगी। इमेज के बारे में पता चला। अब रियल इमेज कब होगी? रियल इमेज, अटेंशन यहां पे रखना, मुझे चाहिए आपका सारा अटेंशन। रियल इमेज, व्हेन रेस आर कन्वर्ज, कन्वर्जन टू द पॉइंट, अगर रेस रिफ्लेक्टन होने के बाद एक जगह पे कन्वर्ज हो रही है, देन द इमेज इज रियल। एंड व्हेन वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज कब तैयार होगी? व्हेन रेस आर अपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम पॉइंट, देन उस पॉइंट के ऊपर वर्चुअल इमेज तैयार होगी। हमको क्या पता है रियल इमेज कब होगी? अगर एक्चुअल रेस कन्वर्ज हो रही है एक जगह पे, तो रियल इमेज तैयार होगी। और अगर डाइवर्जन हो रहा है, कहीं एक पॉइंट से डाइवर्ज होकर सारी रेस बाहर निकल रही है, तो उस वाले पॉइंट के ऊपर जो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज तैयार होगी। तो ये थोड़ी डिटेल पता चली आपको, इमेज क्या है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है। ओके, देखो मैं ये सारी लिख के इसलिए समझा रहा हूँ, कभी आपको अगर जरूरत पड़ जाए तो आपको भी लिखना हो, इसीलिए लिखने में बेटर है, इसलिए आप नोट्स अच्छे से करो इसलिए। चलो अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन के अंदर अगर हमें इमेज चाहिए तो हम कौन से रेज यूज कर सकते हैं और उसका प्रिंसिपल क्या है। देखो अभी भी हमने मिरर इक्वेशन तो स्टार्ट ही नहीं किया, मिरर इक्वेशन के अंदर कोई भी बात नहीं हो रही, रिफ्लेक्शन के बारे में बात हो रही है। ओके, तो ध्यान से सुनना, प्रिंसिपल क्या है रिफ्लेक्शन से इमेज क्रिएट करने का, प्रिंसिपल क्या है? तो मिनिमम में मिनिमम हमें दो रेस चाहिए, दो से ज्यादा हो सकती है, तीन चार पांच इनफाइनाइट तक, बट मिनिमम में मिनिमम दो रेस अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो उस पॉइंट के ऊपर हमारा इमेज तैयार होगा। ये हमारा प्रिंसिपल है, अगर आपको लिखना है तो लिख लो। अगर मिनिमम दो रेस या उससे ज्यादा वाली रेस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, देन उस पॉइंट के ऊपर वो पहले वाले पॉइंट का इमेज तैयार होगी। ओके, अब मैं ये दिखाने वाला हूं कि हमारा जो स्फेरिकल मिरर है या फिर कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स कोई भी मिरर है, उसके अंदर से कौन सी रेज जो है उसकी प्रोपोगेशन, उसकी डायरेक्शन हमको मालूम है। हमें एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इमेज तैयार करो थ्री रेस का यूज करके कॉनकेव मिरर के अंदर या फिर कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, इतना इक्वेशन भी आ सकता है। हमको ये देखना है, देखो आप देखो, सिर्फ ये बाद में दिखाएंगे, मैं पहले ऐसे ही वर्ड टू वर्ड बात करूं। सबसे पहले पैरेलल रेस, टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक रेस है जो कैसे प्रोपोगेट होगी हमें मालूम है, पैरेलल रेस प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी और फिर फोकस में से निकलेगी। एंड द सेकेंड वन, देखो एक रफ रफ फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस पॉइंट, अगर यहां से कोई रेस, ये हमारी इमेज है, तो यहां से कोई रेस अगर पैरेलल ट्रैवल कर रही है तो वो हमें पता है वो फोकस के अंदर से ही जाएगी, तो एक रेस की डायरेक्शन हमें मालूम है, हमें कितने रेस मालूम है वो दिखा रहा हूं। देन द सेकेंड वन इज पोल, अगर हम किसी रेस को पोल के ऊपर से, यहाँ पे पोल आएगा, अगर हम किसी रेस को पोल के ऊपर ले जाए तो हमें मालूम है वो रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल को फॉलो करेगी, जितना इंसिडेंट एंगल है नॉर्मल के साथ उतना ही रिफ्लेक्टिंग एंगल होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो रिफ्लेक्टिंग एंगल भी वही होगा, तो ये हमारा सेकेंड रेस जो है जिसकी प्रोपोगेशन, जिसकी डायरेक्शन हमें मालूम है। थर्ड रेस, देखो अगर आपको इक्वेशन फाइंड करना है तो ये सारी रेस आपको मालूम होनी चाहिए। थर्ड रेस पासिंग फ्रॉम द
रेडियस सेंटर सेंटर ऑफ दी कर्वेचर, ओके मीन्स कहां से, यहां से ही पास होने वाली, तो मैंने यहां पे गलत दिखा दिया, थोड़ा बहुत यहां से लेते हैं हम लोग। चलो अगर यहां से ही पास करना है और यही दिखा रहा हूं तो फिर गलती हो जाएगी। चलो यहां पे अटेंशन रखना, ये एंगल दोनों सेम ही है, ओके। अब थर्ड रे जो है वो मैं कहां से ले रहा हूं, देखते रहना, कहां से ले रहा हूं, कर्वेचर के अंदर से पास होने वाली, तो अगर यहां से ये जा रही है तो रिफ्लेक्ट होके वापस जो आएगी उसकी रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन सेम होगी। वाई वाई सेम होगी, जो यहां से ये जा रही है रे, अगर ये सेंटर में से जा रही है तो वो यहां से जब भी निकलेगी ये रेडियस हो जाएगी, कर्वेचर की रेडियस पे जा रही है, तो रेडियस पे जा रही है मीन्स व्हाट, यहाँ पे उसकी नॉर्मल की डायरेक्शन, ये जो नॉर्मल की डायरेक्शन है और मेरा रेस जो ट्रेस हो रहा है उसकी डायरेक्शन सेम होगी, तो रिट्रेस होगी सेम टू सेम डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि नॉर्मल के साथ कोई भी इंसिडेंट एंगल नहीं है, जीरो एंगल, तो जीरो पे वापस निकलेगी। तो हमें ये थर्ड रेस भी मालूम है, थर्ड रे भी मालूम है जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, और अभी एक और फोर्थ रे भी है, फोर्थ रे भी है जो फोकस पॉइंट में से पास होगी। देखो ये सारी चीजें आपको मार्क्स नहीं दिलाएगी, बट मार्क्स लाने के लिए, मार्क्स गेन करने के लिए ये सारी चीजें आपको बेसिक डिटेल मालूम होनी चाहिए। अभी भी मैंने मिरर इक्वेशन स्टार्ट नहीं किया है, आपका अटेंशन यहाँ पे रखना। तो कहां से निकाल रहा हूं अब मैं, देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, फिगर अच्छी होनी ही चाहिए आपकी, कहां से जाना है, फोकस में से। तो हमें ये भी मालूम है अगर कोई रेस, देखो यहाँ पे फोकस है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, अगर कोई रेस फोकस के अंदर से ट्रेवल करेगी तो हमको क्या मालूम है कि वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा, पैरेलल रेस फोकस में से पास होती है, पैरेलल रेस फोकस में से पास होती है, तो फोकस में से पास होने वाली रेस रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो देखो सारी चीजें यहाँ पे इंटरेक्ट कर रही है, तो ये जो हमारी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसका मिरर या फिर उसकी इमेज जो है वो यहाँ पे क्रिएट होगी, क्योंकि यहाँ पे सारी रेस इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने क्या बताया प्रिंसिपल, जहां पे इंटरसेक्ट होगी रेस वहां पे हमारी इमेज तैयार होगी, और ये जो इमेज है वो रियल इमेज होगी क्योंकि सारी रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ज हो रही है, डाइवर्जन नहीं है, ओके। तो चार रेस याद रखनी है, प्रिंसिपल रेस, सेकेंड वन इज पोल, थर्ड वन इज कर्वेचर या फिर सेंटर में से, और फोर्थ वन, या तो फिर इसे फोकस ले देते हैं, चलो इसे हम कह देते हैं थर्ड नंबर को फोकस और फोर्थ नंबर को कर्वेचर। तो हमें लाइन भी याद रहेगा, डाउन में आना है, देखो डाउन में आना है, पैरेलल, पोल, फोकस, सेंटर, लाइन में आना है। देखो इतनी अच्छे से विकेट ड्रॉ हो गई। तो ये चार रेस जो है, सॉरी फोर रेस जो है, मैं गुजराती मीडियम पे भी पढ़ाता हूँ इसलिए मिक्स हो रहा है, ओके। तो फोर रेस जो है जिसके डायरेक्शन, प्रोपोगेशन सब कुछ हमें मालूम है, तो हम जब भी इमेज तैयार करेंगे हम इसी फोर रेस का यूज करेंगे। अब हमारा मेन मिरर इक्वेशन स्टार्ट होने वाला है, उसके अंदर मैं थ्री रेस यूज करूंगा। कौन सी नहीं यूज करूंगा? तो फोकस वाली रेस नहीं यूज करूंगा, मैं प्रिंसिपल, पोल और कर्वेचर वाली रेस यूज करके फिगर ड्रॉ करूंगा, जो आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं और लास्ट ईयर में प्रीलिम में पूछा था। थ्री रेस का यूज करके, थ्री रेस का यूज करके इमेज क्रिएट करो कॉनकेव मिरर के ऊपर रिफ्लेक्शन वाली, ओके। तो हमें ये आनी चाहिए, ये स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ये बहुत अच्छी चीज है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो नंबर ऊपर नीचे, थ्री नंबर है फोकस और फोर नंबर है सेंटर। चलो अब स्टार्ट होगा हमारा मेन टॉपिक आज का, सारे टॉपिक आईएमपी है, बट आज हम जहां से स्टार्ट करने वाले, हमारा चैप्टर यहाँ से, सॉरी आज का वीडियो यहाँ से शुरू हो रहा है, ओके। तो ये नाम है मिरर इमेज, ओ सॉरी मिरर इमेज ही बोल रहा था, हमारे इक्वेशन, मिरर इक्वेशन। चलो तो अब मैं अच्छे वाली फिगर ड्रॉ करने वाला हूँ, अटेंशन रखना यहाँ पे, ओके। ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टिंग साइड, आपको भी अच्छी अच्छी इमेज से अच्छे मार्क मिलेंगे, याद रखना। ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो रहा है, क्रॉस हो रहा है ना थोड़ा, मैं लेफ्ट हैंड साइड से देख रहा हूँ ना इसलिए थोड़ा बहुत, सेंटर पे खड़ा होके ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो अभी जो, चलो स्केल नहीं है मेरे पास और मेरे हैंड से स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ हो रही है, चौक है ना इसलिए। तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया ए बी, यहाँ पे हमारा सेंटर होगा, ओके। अभी निकालेंगे फर्स्ट रे जो पैरेलल होगी पॉइंट एम,
तो कहां से रिफ्लेक्ट करेगी? जिस भी पॉइंट से रिफ्लेक्ट करेगी वो कौन सा पॉइंट होगा? हमारा फोकस। तो ये रे है तो इसे एरो दिखाओ यहाँ पे। उसी तरीके से सेकेंड रे कहां से निकालेंगे हम? पोल के ऊपर से। देखो अच्छे से पोल, और फिर जो इंसिडेंट एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे भी होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सेकेंड रेस। एंड थर्ड कौन सी है? थर्ड रेस जो है मिरर से भी थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा हमें, मिरर को यहाँ पे आई है। तो देखो ये ट्रेस हो रही है और ये रिट्रेस हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा कर्वेचर सेंटर है और यहाँ पे नॉर्मल के साथ इंसिडेंट होगा तो नॉर्मल से ही बाहर जाएगा फिर से। चलो तो ये हो गया हमारा फिगर। अब जहां पे ये सारे इंटरसेक्ट हो रहे, अटेंशन है ना यहाँ पे? देखो बोरिंग नहीं होना है, ये अच्छे से ड्रॉ करना है आपको भी। ये पोल हमारा पी, तो ये पी हो गया, इसको एन बोलेंगे। एम एम पी एन हमारा जो है वो कॉनकेव मिरर है। थोड़ा ऊपर से भी इस तरीके से दिखाऊं तो आपको पता चलेगा। चलो अब ये हमारे तीन रेस हो गए। अब कौन सा पॉइंट दिखाना बाकी है? ये इमेज दिखानी बाकी है। इमेज यहाँ पे हो गई हमारी, ये इमेज। तो इसको नाम दूंगा बी डेस और ए डेस। देखो ए डेस वाले सारे पॉइंट ट्रेवल करके यहाँ पे मिल रहे, बी डेस वाले पॉइंट देखो यहाँ से जाके फिर से यही परपेंडिकुलर ही आएगा, तो बी डेस तो यहाँ पे ही मिलेगा फिर से। समझ में आ रहा है? तो ये हो गई हमारी बी डेस ए डेस। तो ये हमारी हो गई इमेज। क्लियर हो रहा है? ये हमारी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, ये इमेज। इमेज कैसे क्रिएट की? थ्री रेस से। आपको ये फिगर अच्छे से ड्रॉ करना सीखना ही है। चलो अब इसके अंदर अभी डिस्टेंस नहीं दिखाएंगे, अभी हम कैलकुलेट करते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने कल क्या बताया था? हमको चाहिए ट्राइंगल्स, पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स, जिसका एक एंगल दोनों में सेम हो। फिर हम क्या करेंगे? साइन या टेन यूज करेंगे। प्रिंसिपल मालूम है ना, साइन या टेन यूज करेंगे। और फिर क्या करेंगे? देखो कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं साइड पे दिख रहा हूँ, इस तरफ मेरे मोबाइल में इस तरफ चैट हो रही है और इस तरफ कैमरा है, तो कभी कभी मैं चैट की ओर ज्यादा देख लेता हूँ। इसलिए ऐसा मत सोचना कि मैं कहीं और देख रहा हूँ, ओके? मेरा फोकस आपके ऊपर ही है, अटेंशन रखना। चलो तो फिर हो रहा है, अब शुरू करते हम लोग ट्राइंगल ढूंढना। तो सबसे पहले जिसके अंदर कॉमन ट्राइंगल है वैसा ये रहा। ये दो ट्राइंगल देखो कॉमन हो गए एक दूसरे के, और यहां से दो ट्राइंगल मिल रहे। ये वाला एक ट्राइंगल छोटा सा और दूसरे वाला ये ट्राइंगल। नेम से बोलूं तो ए डेस बी डेस एफ और दूसरा एम पी एफ, ये दो ट्राइंगल है जिसके अंदर एक एंगल कॉमन है, तो हम यहां से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बाद में दूसरा कौन सा ट्राइंगल है जिसका एंगल सेम है? दूसरा एक ट्राइंगल भी है, दूसरे दूसरी एक पैर भी है हमारे पास ट्राइंगल की। हमारा रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल से क्या देखा था? पोल के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो नॉर्मल से सेम एंगल से बाहर निकलेगा। तो देखो ये बड़ा वाला ट्राइंगल, आपको सिर्फ बड़े वाले ट्राइंगल को इमेज करना है। देखो यहां से ये वाला बड़ा ट्राइंगल ए बी पी एंड द सेकेंड ट्राइंगल इज ए डैश बी डैश पी। देखो ये दो ट्राइंगल के अंदर भी पैर हो रही है, तो हम दो पैर की यूज करेंगे। देखो कितना इजी इक्वेशन डिराइव करना, बस आपको फिगर अच्छे से ड्रॉ करनी है। ये 100% क्लियर है तो कुछ भी नहीं है, देखते जाओ। अब मैं यहाँ पे ज्यादा थियोरेटिकल बातें नहीं लिखूंगा, बस एक्सप्लेन करूंगा क्या हो रहा है। मैं ट्राइंगल यूज कर रहा हूँ ए डैश बी डैश एफ, देखते रहना ए डैश बी डैश एफ, ये एफ पॉइंट है। और दूसरी तरफ दूसरा ट्राइंगल एम पी एफ, एम पी एफ के लिए। तो मैं ये लिख सकता हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखते रहना। अगर मैं ये लिखूं ए डैश बी डैश अपन बी डैश एफ इज इक्वल टू एम पी अपन अपन एफ डैश, सॉरी एफ पी। देखते जाओ मैंने क्या लिखा, अटेंशन यहां पे देखो मैंने क्या लिखा। ए डैश बी डैश अपन बी एफ बी डैश एफ, मतलब इस वाले एंगल के लिए ए डैश बी डैश अपन बी एफ। तो मैंने यहाँ पे साइन थीटा यूज किया, ऐसा कह सकता हूँ, या फिर टेन थीटा। टेन थीटा से क्या होगा? सामने वाली बाजू डिनोमिनेटर में, पास वाली बाजू। तो देखो ए डैश बी डैश अपन बी डैश एफ। उसी तरीके से यहाँ पे देखो एम पी अपन एफ पी, तो दोनों की टेन थीटा सेम है, तो हम टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, और थीटा दोनों की कंपेयर कर देंगे। अब मुझे क्या करना है, ये एमपी को मैं यहां पे ले लूंगा, एमपी को। क्यों? वो मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चल जाएगा। ए डैश बी डैश अपन एमपी इज इक्वल टू, देखो हम लोग सबसे आगे है यहाँ पे, जे डबल इनिट यहां तक नहीं पहुंचा है,
और पहली बार है आपके लिए, इसीलिए मैं स्लोली स्लोली जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप मुझे बोरिंग लगता है या फिर स्लोली जाना अच्छा लगता है। अटेंशन यहाँ पे रखना। अब ये जो एमपी है हमारी हाइट, देखो पहले तो एक चीज समझ लो, ये कर्वेचर बहुत स्मॉल है तो हम स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर, एमपी को भी स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट में भी डी डी लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे डी लिया था, फिर हमने बोला था कि सीपी और सीडी सेम ही है, चलेगा। ओके तो यहाँ से देखो, एमपी जो है वो मेरी हाइट है पैरेलल अक्ष से, सॉरी प्रिंसिपल अक्ष से हाइट है, और वही हाइट मेरी एबी भी है। तो मैं एमपी की जगह पे एबी यूज कर सकता हूँ। तो देखो ए डैश बी डैश अपन ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा डी डैश एफ अपन एफ पी। तो ये हो गया हमारा एक ट्राइंगल के ऊपर से, दूसरी ट्राइंगल की भी हमारे पास पैर है। अटेंशन यहाँ पे है ना, कितनी इजी है, कितना इजी है। चलो टाइम ज्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी। ट्राइंगल ए बी पी कॉमा ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, देख रहा है ना, ए डैश बी डैश पी। इस वाले ट्राइंगल के ऊपर भी ए बी अपन बी पी अपन ए डैश बी डैश पी अपन बी डैश पी, देखते जाओ। ए बी अपन बी टू पी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपन बी डैश पी। समझ में आ रहा है ना, ए डैश बी डैश अपन बी टू पी। चलो तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वही क्रिएट करेंगे। ए डैश बी डैश यहाँ पे रहने देते, ए बी को यहाँ पे, बी डैश पी को ऊपर। तो ए डैश बी डैश अपन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपन बी पी। चलो तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यहां से इक्वेशन हो जाएगा, देखते जाना, यहां से इक्वेशन तुरंत ही डिराइव हो जाएगा। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। अटेंशन रखना है यहाँ पे। ओके अब अगर इसको इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू दे, दोनों की राइट हैंड साइड कंपेयर करें वन एंड टू के लिए, तो देखते जाना यहाँ पे हो जाएगा बी डैश एफ अपन एफ पी इज इक्वल टू, मुझे लिखना है बी डैश पी अपन बी बी पी। बट प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे ध्यान रखना, प्रॉब्लम ये है कि ये जो बी डैश एफ है ना, ये वाली डिस्टेंस है, हमें कौन सी डिस्टेंस मालूम है। पहले तो ये देख लो, ये हमारा ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस, सारे डिस्टेंस पोल से ही मेजर हो गए, मैंने बताया था। ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कहेंगे, वो हमें मालूम है। इमेज से पोल तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस वी कहेंगे, वो भी हमें मालूम है। और दूसरा फोकस से पी तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ एफ, वो भी हमें मालूम है। बट ये वाली चीज यहां से ये मालूम है, यहां से ये मालूम है, बट ये वाली छोटी सी चीज हमें नहीं मालूम है, वो जो है बी डैश एफ है वो नहीं मालूम है। तो मैं राइट हैंड साइड लिखने से पहले इसकी इस वाली साइड को लिखने से पहले इसे और ज्यादा कन्वर्ट करूं, तो बी डैश एफ को मैं ये लिख सकता हूं, मुझे ये मालूम है बी डैश पी और ये भी मालूम है एफ पी। तो मैं बी डैश पी के अंदर से अगर एफ पी निकाल दूं तो मुझे मिल जाएगा बी डैश एफ। तो देखते जाओ, अटेंशन पूरा रखो, अटेंशन नहीं होगा तो बाद में आप सिर्फ कॉपी करोगे, अच्छे से नहीं लिख पाओगे। देखते जाना, बी डैश पी माइनस एफ पी, तो ये हो जाएगा बी डैश पी, से एफ पी निकाल दूं तो ये हो जाएगा बी डैश एफ अपन, ये तो है ही एफ पी तो है ही, इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड। अब लिखेंगे बी डैश पी अपन बी पी, ये क्लियर होना चाहिए, ये इक्वेशन है, उसके ऊपर से हम हमारी फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। अगर ये क्लियर हो गया तो आगे कुछ नहीं इसके अंदर। ओके चलो अब क्या करेंगे, सारी डेटा इनपुट करेंगे, अब देखना हमें साइन कन्वेंशन, ध्यान देना यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे पहले तो डिस्टेंस लिखता हूं, मुझे नीचे लिखना होता है बट मैं ऊपर लिख रहा हूं, ये यू हो जाएगा, कहां से पोल से लेके हमारे ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस यू, इमेज से लेके पोल तक का डिस्टेंस वी, ये हो जाएगा हमारा इमेज डिस्टेंस वी, और फोकस पॉइंट से लेके पोल तक का डिस्टेंस एफ। और हमें सारी चीजें मालूम है, बी डैश सॉरी बी टू पी, बी टू पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बी डैश पी इमेज डिस्टेंस एंड एफ पी फोकस फोकल लेंथ, हमें सारी चीजें इसके अंदर मालूम है, वो सारी चीजें इनपुट करूंगा, बट उसकी साइन क्या आएगी। तो हमने क्या पढ़ा था साइन के बारे में लास्ट लेक्चर में, इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट से पोल की ओर की डायरेक्शन सारे डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से पोल की डायरेक्शन के सारे डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होंगे,
बट यहाँ पे तो सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करने, हमने क्या पढ़ा था, सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होगी, और पोल से अगर मैं ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस मेजर करूं तो वो यू ही है बट माइनस यू होगा, उसी तरीके से इमेज तक का डिस्टेंस माइनस वी, फोकस पॉइंट तक का डिस्टेंस माइनस एफ। और एक चीज मैंने ये भी बताया था कि ये देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे हमने कार्टेशियन देखा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर हमें सिर्फ डिस्टेंस मेजर करना है, हाइट नहीं मेजर करनी है, तो डिस्टेंस सारे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो पोल से सारे डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं साइन कन्वेंशन के साथ, साइन के नोटेशन के साथ अगर मैं सारी चीजें इनपुट करूंगा तो वो सारी की सारी नेगेटिव आने वाली है। तो देखते रहना, मैं यहाँ पे इक्वेशन डिराइव कर रहा हूँ, सारी यहाँ तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है अभी भी नहीं, इतना ही दिख रहा है, ओके चलो कोई नहीं। तो देखते जाना, अभी मेरे पास एक एक यहाँ पे डेटा इनपुट करने के लिए जगह है, तो देखते जाओ। बी डेस पी की जगह पे मैं मुझे क्या लिखना है, वी, बट मैं लिखूंगा माइनस वी, माइनस एफ टू पी माइनस फोकल लेंथ एफ, अपन फिर से एफ टू पी माइनस एफ, ये तो दिखाई देगा ना, ओके दिख रहा है, इज इक्वल टू बी डेस पी माइनस वी अपन बी टू पी माइनस यू। तो ये मैंने डेटा इनपुट कर दिया, अब यहाँ पे जितनी कैलकुलेशन रखते हैं, माइनस वी देखते जाना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस वी माइनस माइनस प्लस एफ अपन माइनस एफ, यहाँ पे तो माइनस माइनस कैंसिल, वी बाई यू। तो यहाँ पे देखना, माइनस वी प्लस एफ अपन माइनस एफ है, ये वाला माइनस मैं इधर दे दू तो ये प्लस एफ है वो फिर से माइनस हो जाएगा, और ये माइनस यू है वो प्लस हो जाएगा। तो वो वाली चीज मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, वी माइनस एफ अपन एफ, मैंने डिनोमिनेटर में जो एफ माइनस था वो ऊपर ही दे दिया, तो वी पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव ही रह गया, माइनस एफ इज इक्वल टू वी बाई यू, ये पता चला। अब क्या करेंगे, एफ को दोनों से डिवाइड कर देंगे, दोनों कंपोनेंट से, तो वी बाई एफ माइनस वन इज इक्वल टू वी बाई यू। क्लियर हो रहा है ना, अब तो क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब वो कुछ नहीं, कैलकुलेशन ही है। तो देखो वो वाली कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, इसके अंदर ये हमारा पोल पी था, यहाँ पे डायरेक्ट एक ही बार में हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू रख रहा हूँ, माइनस वन उस तरफ चला जाएगा तो प्लस वन, तो रह जाएगा वी बाई एफ इज इक्वल टू वन प्लस यू बाई वी, सॉरी वी बाई यू। अटेंशन, एक भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए। अब वी को मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो वन अपन एफ इज इक्वल टू वन अपन वी प्लस वन अपन यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो वी वी कैंसल, यहाँ पे वी आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा लिखते हैं, वन अपन एफ इज इक्वल टू वन प्लस वी बाई यू अपन वी, अब ये वी दोनों को दे देंगे तो फाइनल आंसर आएगा वन अपन एफ इज इक्वल टू वन अपन वी प्लस वन अपन यू। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे मिरर इमेज का इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के अंदर हमने साइन कन्वेंशन दिया हुआ है, मींस व्हाट, ये इक्वेशन हम कोई भी लेंस, किसी भी इमेज मिरर के लिए, कॉन्वेक्स हो या फिर कॉन्केव हो, किसी भी पोजीशन के लिए, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, ये वाले इक्वेशन से हम सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, वन अपन एफ इज इक्वल टू वन अपन वी प्लस वन अपन यू, या फिर आपके बुक में ऐसा लिखा है वन अपन वी प्लस वन अपन यू इज इक्वल टू वन अपन एफ, इस तरीके से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मैंने यहाँ पे इमेज सॉरी इक्वेशन डिराइव करके रखा हुआ है, एक बार देख लो, दो ट्राइंगल, दो ट्राइंगल के लेफ्ट हैंड साइड कॉमन, तो राइट हैंड साइड, इस वाले बीडेस एफ नहीं मालूम है इसलिए इस तरीके से हमने अलग से लिखा बीडेस बी, सारे साइन करना, साइन नोटेशन के साथ सारी चीजें लिखी, फिर कैलकुलेशन, ये यहाँ तक पहले कैलकुलेशन है, देखते रहना, पहले मैंने यहाँ तक कैलकुलेशन करके रखी है, फिर से यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आया हूँ। ओके चलो, तो इसका एक स्क्रीनशॉट निकालो, अभी लिखना नहीं है, स्क्रीनशॉट निकालो अच्छे से, ये फिगर अच्छे से ड्रॉ करनी है आपको, मेरे से भी अच्छे से ड्रॉ करनी है, स्केल यूज करो आप। चलो अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं, एक और चीज हमें देखनी है यहाँ पे ही, देखते रहना, मैग्निफिकेशन के बारे में हमें क्या देखना है, मैग्निफिकेशन रिफ्लेक्शन से, या फिर ओहो सिट, यहाँ पे नहीं इरेज करना था ये, चलो कोई नहीं कोई नहीं, ये इरेज कर रहा हूँ, अटेंशन रखना यहाँ पे, इसी फिगर के अंदर मैं मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ बताऊंगा। रेडियल मैग्निफिकेशन बोलते हैं क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट है, तो रेडियल मैग्निफिकेशन, तो ध्यान से सुनना, ये हमारी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की हाइट है और ये हाइट हमारी इमेज की हाइट है, तो ओरिजिनल हाइट से ये कम हो रही है, अगर ये हाइट से ये कम या ज्यादा हो, ये हाइट से ये कम या ज्यादा हो मीन्स वॉट,
ये इमेज, ये जो मिरर है वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को या तो स्मॉल कर रहा है, हाइट कम कर रहा है, या फिर ज्यादा कर रहा है। मीन्स व्हाट, ये मिरर जो है सिर्फ रिफ्लेक्शन का ही काम नहीं कर रहा है, मैग्नीफायर का भी काम कर रहा है। ये मैग्नीफायर से या तो कम होगी हाइट या फिर कम ज्यादा होगी, तो हमें मैग्निफिकेशन भी ढूंढना होता है। मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। ये क्या है हमारा, मैग्निफिकेशन। ओके, ये हमारा मैग्निफिकेशन है, उसे हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, और उसकी इक्वेशन है एच डैश अपन एच। और यहाँ पे एच डैश जो है वो हमारी इमेज की हाइट है, और एच जो है वो हमारी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की हाइट है। देखो आप आसानी से देख सकते हो, इमेज की हाइट को ओरिजिनल हाइट से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगी कि एक्चुअली में कितना रेशियो, जितना हमारी हाइट ज्यादा या कम है। तो याद रखो, मैग्निफिकेशन को लिखते हैं एच डैश अपन एच। हमें क्या लिखना है, एच डैश अपन एच। अब अगर हमें एच डैश अपन एच चाहिए तो हम वही ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे रख, ये वाला मेरे से इरेज हो गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखते रहना। ए बी अपन ये था ए डैश बी डैश, या फिर ए डैश बी डैश, सॉरी, ए डैश बी डैश अपन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपन बी टू बी। चलो, तो ये हो गई हमारी, ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। तो उसके अंदर हमने जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड नहीं यूज करी थी ना, वही हमारी मैग्निफिकेशन है। देखो ए डैश बी डैश अपन ए बी, ए डैश बी डैश मतलब इमेज की हाइट एच डैश, ये एच डैश है, और उसी तरीके से ए बी इज इक्वल टू हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट ए बी। तो हम किसी भी एक इक्वेशन में, चलो इसमें, इसमें सारे डेटा इनपुट करते फिर देखते हैं कि हमारा एच डैश अपन एच क्या आएगा। ओके, अटेंशन यहाँ पे रखना इस वाले इक्वेशन के अंदर। तो अगर ए डैश बी डैश की बात करूं तो वो है माइनस एच डैश, साइन कन्वेंशन के साथ लिखूंगा। तो कल क्या बताया था, प्रिंसिपल एक्सिस के जो डिनोमिनेटर में वाई एक्सिस, जो डिनोमिनेटर में वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाई। अपन ए बी पॉजिटिव, और उसकी हाइट कितनी है एच इज इक्वल टू बी डैश पी। बी डैश पी क्या है, इमेज का डिस्टेंस माइनस वी अपन बी टू पी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस यू। अब ये तो माइनस माइनस कैंसिल, बट हमें चाहिए एच डैश अपन एच, मैग्निफिकेशन के लिए एच डैश अपन एच चाहिए, तो ये माइनस उस तरफ दे दो। तो एक्चुअली में एच डैश अपन एच इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी अपन यू। क्लियर हो रहा है आपको? ओके, तो फिर यहां पे लिखूं तो ये हो जाएगा माइनस वी अपन यू। तो ये हो गई हमारी फॉर्मूला मैग्निफिकेशन की, और ये मैग्निफिकेशन जो है वो लेटरल मैग्निफिकेशन या फिर रेडियल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। ओके, तो हमने रेडियल मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला, इक्वेशन यही है एच डैश अपन एच। जब भी मैग्निफिकेशन पूछे एक चीज याद रखना, इमेज अपन ऑब्जेक्ट, इमेज अपन ऑब्जेक्ट, एक ही चीज याद रखना मैग्निफिकेशन के लिए। फिर देखना कि इक्वेशन क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो फिगर ड्रॉ करके फिर से बनाओ, कोई नहीं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। एच डैश अपन एच या फिर माइनस वी अपन यू, यही इक्वेशन याद रखना है, माइनस वी अपन यू, और माइनस आएगा। ये सारी चीजें फिर से हमने इक्वेशन, मिरर का इक्वेशन क्या डिराइव करा है, देखो स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, चलो यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, देखते रहना। हमने मिरर का इक्वेशन क्या निकाला, प्लस वी वन अपन यू इज इक्वल टू वन अपन एफ। तो ये जो इक्वेशन और ये जो इक्वेशन है वो सेम टू सेम लेंथ में आएंगे, सेम टू सेम, बस यहाँ पे वी है ना वो माइनस हो जाएगा, और माइनस वी की वजह से यहाँ पे मैग्निफिकेशन है ना वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेंथ का इक्वेशन होगा माइनस वी अपन यू प्लस वन अपन वी इज इक्वल टू वन अपन एफ, और लेंथ के मैग्निफिकेशन का इक्वेशन होगा प्लस वी बाई यू। तो यहाँ पे इतना ही चेंज होने वाला है, इसीलिए अच्छे से समझ लेना इस इक्वेशन को। ओके, तो ये हो गई हमारी मैग्निफिकेशन की बात, और ये हमने इक्वेशन डिराइव करा है मिरर इक्वेशन। चलो हमारे पास टाइम कम है, अब हम देखेंगे रिफ्रेक्शन। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अटेंशन यहाँ पे रखना, जब भी मैं इसे इरेज करूं आपको टाइम मिले ना तो उसके अंदर रिवीजन कर लो, जो भी हमने अभी तक पढ़ा ना उसका रिवीजन कर लो, आज जो भी पढ़ा उसका, समझ में आ रहा है, उससे आपके कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। एक चीज याद रखो, हमारी जो मेमोरी है ना वो इलास्टिक मेमोरी है। इलास्टिक मेमोरी पता है आपको, इलास्टिक मेमोरी मीन्स व्हाट, मेमोरी में अभी जो हुआ ना वो थोड़ी देर तक चलेगा, बाद में धीरे 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 वो कम हो जाएगा,
उसे इलास्टिक बोलते हैं। स्ट्रेच करोगे तो थोड़ी देर तक स्ट्रेचिंग से थोड़ा थोड़ा कम होगा, बाद में एकदम जीरो हो जाएगा। तो मेमोरी भी उसी तरीके से, अगर आपने थोड़ी देर पहले कुछ देखा हुआ है तो आपको अच्छे से याद है, फिर टाइम जाने के बाद धीरे धीरे कम हो जाएगा। रिविज करने के टाइम पे रिविजन करो। चलो अब जो है हम न्यू पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं, उसे कहेंगे हम रिफ्रैक्शन। चलो तो रिफ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज रिफ्रैक्शन, ये डेफिनेशन बोलूं या फिर लिखूं? लिखता हूं, चलो कैसे लिखूं डेफिनेशन। इफ द रे पासिंग फ्रॉम द वन मीडियम टू द अदर मीडियम मीडियम the direction of propagation या फिर direction, चलो लिखते हैं propagation, is changed between the intersection of मीडियम। ओके चलो ध्यान से सुनना, रिफ्रैक्शन के बारे में मैंने कुछ लिखा है। द रे पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर मीडियम द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मीन्स जिस डायरेक्शन वो में जा रहा है इज चेंज चेंज बिटवीन, कहां से चेंज होगा, इंटरसेक्शन ऑफ द टू मीडियम, ये एक मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है, यहां से आ रहा है तो जिस तरीके से जाना चाहिए उसी तरीके से नहीं जाएगा, किसी और डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो चीज हुई, ये जो चीज कन्वर्ट बैंड हो गई, उसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं ट्रांसमिशन के टाइम पे। अगर ये मीडियम ट्रांसपेरेंट है तभी रे इसके अंदर जाएगा, या फिर इसके अंदर चला गया आपको पता भी नहीं चलेगा, ओके तभी आप देख सकते हो। तो याद रखो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते वक्त उसकी डायरेक्शन जो चेंज हो रही है उसे हम रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन बोलते हैं, इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। और इसके बारे में बात किसने की थी, स्नेल ने, ओके इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। फिर स्नेल ने जो रूल्स दिए वो हम देखेंगे, ये सारी चीजें स्नेल ने देखी, फिर स्नेल ने अपने रिफ्रैक्शन के लिए दो रूल्स दिए जिसे हम प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, स्नेल्स प्रिंसिपल। तो उसके लिए मैं फिगर ड्रॉ करूंगा और एक के बाद एक स्नेल के रूल्स लिखूंगा और हम समझेंगे। तो देखो इस पॉइंट के ऊपर जहां से इंटरसेक्ट होने वाला है मेरा इंसिडेंट रे, वहां पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ करके रखा हुआ। अगर मेरा इंसिडेंट रे ये है, ये मेरा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट एंगल आई, देन इफ दिस इज माय, सीधा ही चला गया, नहीं इतना इतना सीधा नहीं होगा, जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए वहां से थोड़ा बहुत मुड़ना चाहिए। तो ये हो गया मेरा रिफ्रेक्टिंग एंगल आर। और याद रखो पूरी की पूरी तरीके से रिफ्रैक्शन नहीं होगा, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन भी होगा। ध्यान से सुनना, इंसिडेंट रे तो एग्जैक्टली नॉर्मल से सेम एंगल पे रिफ्लेक्शन होता है, और नॉर्मल से कुछ ज्यादा बहुत कम या ज्यादा एंगल पे रिफ्रैक्शन होता है। तो याद रखना टोटल रिफ्रैक्शन कभी नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो रिफ्लेक्शन भी होगा, और उसी वजह से ये जो ब्लॉक है वो हमें दिखाई देगा। समझ में आ रहा, अभी आप मेरे ऊपर लाइट सोर्स गिर रहा है, अभी आप मुझे इसलिए देख सकते हो क्योंकि मेरे अंदर से थोड़ी ही बहुत लाइट मैं अपने अंदर ले रहा हूँ और थोड़ी बहुत लाइट बाहर रिफ्लेक्ट भी कर रहा हूँ। अगर ये रिफ्लेक्शन नहीं होता और सारी लाइट सोर्स को मैं अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता तब मैं पूरी तरीके से डार्क मैटर टोटली ब्लैक हो जाता। क्यों? क्योंकि ब्लैक जो कलर है वो अपने अंदर पूरी लाइट अपने अंदर ले लेता, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, मैं अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होता। समझ में आ रहा है? तो याद रखो कि रिफ्लेक्शन भी थोड़ा बहुत होगा ही रिफ्रैक्शन के साथ साथ, बट यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन के ही प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है, जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है स्नेल, याद रखो ये सारे प्रिंसिपल किसने दिया हुआ है, स्नेल्स प्रिंसिपल है सारे। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो सेम टू सेम रिफ्लेक्शन वाला ही है, इंसिडेंट रे फिर रिफ्रैक्टिंग रे एंड
नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, सेम टू सेम प्रिंसिपल है रिफ्लेक्शन वाला। रिफ्लेक्शन में सिर्फ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिंग रे की बात कर रहे थे, यहाँ पे इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन रे की बात कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे रेज जो है वो सेम प्लेन में होंगे नॉर्मल के साथ, समझ में आ रहे हो? उसका प्लेन सेम होगा अगर ये अंदर भी है बाहर भी है तब भी। ओके, और द सेकेंड प्रिंसिपल वॉज इंटरेस्टिंग। ये मेन प्रिंसिपल है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू दी साइन ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल, एंगल कहां पे लिखना है, यहां पे लिखो एंगल इज कॉन्स्टेंट। ओके, ये है सेकेंड प्रिंसिपल जो इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड द साइन ऑफ रिफ्लेक्टिंग एंगल आर कॉन्स्टेंट। और वो कितना होगा, इस तरीके से लिख सकते हो, साइन इंसिडेंट एंगल का है, एंगल है आई तो साइन आई, रिफ्लेक्टिंग एंगल आर है देन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और उसकी वैल्यू है एन टू वन। ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है। ओके, और जो ये एन टू वन है वो हमारा, ये जो एन टू वन है ना वो हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एन टू वन को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो याद रखो ये फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम क्या है, फर्स्ट मीडियम वो है, ऑलवेज रिमेम्बर, फर्स्ट मीडियम वो है जहां से हमारा इंसिडेंट रे आ रहा है, एंड सेकेंड मीडियम वॉज द मीडियम जहां पे हमारा रिफ्रेक्शन हो रहा है। याद रखना, अगर रेज यहां से स्टार्ट होता और यहां से बाहर निकल रहा होता तो ये हमारा फर्स्ट मीडियम हो जाता और ये हमारा सेकेंड मीडियम हो जाता। तो इंसिडेंट रे वाला जो मीडियम है वो हमारा फर्स्ट मीडियम है और रिफ्रेक्टिंग रे वाला मीडियम जो है वो सेकेंड मीडियम है। ओके, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, ये तो आपको पता है रिफ्रेक्टिंग इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके, इसको लिखते कैसे, एक्चुअली में इसे एन टू बाई एन वन लिखते। देखो हमने विथ रिस्पेक्ट वाली बात आगे भी वेलोसिटी में पढ़ी हुई 11th स्टैंडर्ड में। अगर ये है वी ए बी तो हमें इसे इस तरीके से लिखते हैं वी ए माइनस वी बी। तो ये जो नोटेशन है वो सेम यहाँ पे यूज नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और है रेशियो में। क्यों ये रेशियो में पता है, एक्चुअली में जो स्नेल ने रूल्स लिखा था ना, एक्चुअली में वो इस तरीके से था, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम इंटू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्रेक्टिंग इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम एंड द साइन ऑफ सेकेंड मीडियम। देखो इस तरीके से, ये एक्चुअली में स्नेल्स रूल है, एन वन साइन आई, एन वन यहाँ का मीडियम है और एन टू ये सेकेंड मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है। तो एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर। अब अगर एन वन बाई एन टू करोगे तो एन टू बाई एन वन हो जाएगा, देखो एन टू बाई एन वन हो जाएगा। तो एक्चुअली में ये रूल्स है बट आपके एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया हुआ, इसलिए मैंने ऐसा समझाया आपको। क्लियर हो रहा है? ओके, तो ये याद रख लेना, ये शायद थोड़ी देर बाद भूल जाओ, रेशियो ऑफ ए बाई ए और एन टू बाई एन वन, बट ये बहुत ही इजी वन है। क्या है, इंसिडेंट रे का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इंसिडेंट रे का साइन एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ रिफ्रेक्शन रे एंड रिफ्लेक्शन एंगल साइन का। समझ में आ रहा है, ये बहुत ही इजी है, ये बहुत ही अच्छे से याद रह जाएगा, बट ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और एनसीईआरटी चाहती है कि आप सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड तरीके से याद रखो, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ओके, तो मुझे क्या बताना था, सिर्फ ये वाली चीज कि एन टू बाई एन वन है, ये जो विथ रिस्पेक्ट है वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के अंदर एन टू बाई एन वन है, नहीं कि एन टू माइनस एन वन। चलो अब क्या देखेंगे, अब थोड़े केस देखते हैं। इफ एन टू वन इज ग्रेटर देन वन, इफ एन टू वन इज ग्रेटर देन वन मीन्स वॉट, अभी इसका जो रेशियो है ग्रेटर देन वन है, एक से ज्यादा है, वो कब होगा, जब एन साइन आई इज ग्रेटर देन एन साइन आर, सॉरी साइन आई ग्रेटर देन आर होगा, या फिर इस तरीके से कह सकते हो आर लेस देन होगा आई से, जब इंसिडेंट एंगल ज्यादा होगा रिफ्लेक्टिंग एंगल से, जो ये केस है, इस केस में जो मैंने ड्रॉ करके रखा हो यहाँ पे ये ज्यादा ये कम है। तो अगर ऐसा होगा तो साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर, तो एन टू बाई एन वन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन वन आएगी। ये तो पता है ना, ऊपर नॉमिनेटर में बड़ी बिग नंबर है और डिनोमिनेटर में स्मॉल नंबर है, तो उसका रेशियो ग्रेटर देन वन होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है, ध्यान से सुनना, अगर ऐसा हो रहा है
जहां पे एन टू बाई एन वन इज ग्रेटर देन वन या फिर आर ग्रेटर देन आई हो रहा है, तो दो चीजें याद रखनी है, एक तो रेस जो है वो कौन सा रेस, रिफ्रैक्टिंग रेस, रिफ्रैक्टिंग रेस जो है वो नॉर्मल नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होगा, टुवर्ड्स बेंड होगा। एंड द सेकेंड थिंग जो तुम्हें याद रखनी है वो क्या है कि हमारा जो सेकेंड मीडियम है, सेकेंड मीडियम की डेंसिटी एन टू बाई एन वन भी होगा, ये तो हमें इजीली पता चल जाता है। सेकेंड मीडियम की दी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो फर्स्ट मीडियम से ज्यादा होगी। क्या बता एक चीज, तो अभी यहां से देख सकते हो अगर एंगल कम हो रहा है मीन्स व्हाट, ये देखो ये एंगल जो जाना चाहिए था एक्चुअल एंगल ये है, अगर कुछ नहीं होता यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता तो वो ऐसे निकल जाता, पर ये ओरिजिनल यहां से गया। मीन्स व्हाट, अभी मेरा जो रिफ्रेक्टिंग रे है वो नॉर्मल के नजदीक में आया, नॉर्मल के टुवर्ड्स में मूव हुआ, तो वो कब होगा जब ये आर स्मॉल होगा, जब आर स्मॉल होगा आई से, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नॉर्मल की ओर आ रहा है। बट इसके पीछे का मेन रीजन क्या है, मेन रीजन जो है नॉर्मल के टुवर्ड्स तो मूव होगा ही होगा, बट मेन रीजन है ये टुवर्ड्स मूव होने का वो है इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी फर्स्ट मीडियम से ज्यादा है, सेकेंड मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी है वो फर्स्ट मीडियम से ज्यादा है। उसी तरीके से अगर यहाँ पे लिख रहा हूं देखो सेकेंड चीज, इफ एन टू वन इज लेस देन वन देन क्या हो जाएगा, आर इज ग्रेटर देन आई होना चाहिए, ये वाला ये डिनोमिनेटर बिग होना चाहिए, इससे तभी ये होगा कि इन दोनों का रेशियो लेस देन वन होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अभी जो हमारा रेज है वो नॉर्मल से अवे की ओर बेंड होगा या फिर दूर की ओर बेंड होगा, ओके। और दूसरी चीज, अभी हमारा एन टू मीडियम है वो लेस डेंसर होगा या फिर रेयरर होगा, जो सेकेंड मीडियम है वो फर्स्ट मीडियम से रेयरर होगा। अगर यहाँ पे कोई डार्क डेंसिटी, हाई डेंसिटी वाला, ऑप्टिकल डेंसिटी, हाई ऑप्टिकल डेंसिटी वाला मीडियम है और यहाँ पे लेस ऑप्टिकल डेंसिटी वाला मीडियम है, तो वहां से रेज अगर आ रहा है तो नॉर्मल से दूर की ओर मूव होगा, तो एक्चुअली में जो होगा ना वो इस तरीके से होगा, ये ओरिजिनल की ओर तो कोई नहीं जाएगा, ओरिजिनल से या तो नॉर्मल की ओर बेंड होगा या फिर नॉर्मल से अवे की ओर बेंड होगा, याद रखना, ओके। तो क्या होगा, एन टू डेंसिटी है वो उससे कम होगी। ये भी केस हम देखेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में यही केस देखेंगे, चिंता मत करो, अभी हमने ये देखा ये भी देखेंगे। अब बात कर लूं ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में, ये क्या है, ओके। जब भी मैं बात करता हूँ डेंसिटी, जब भी कोई टीचर डेंसिटी वर्ड प्रोनाउन करता है तो सबको एक ही चीज समझ में आती है, मास डेंसिटी, मास अपन वॉल्यूम, समझ में आ रहा। तो ऑप्टिकल जो डेंसिटी है वो मास डेंसिटी नहीं है, पहली चीज तो याद रखो, ऑप्टिकल डेंसिटी को मास डेंसिटी से कंपेयर मत करो। जरूरी नहीं है कि किसी चीज की मास डेंसिटी ज्यादा हो तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा ही हो, और वाइस वर्सा, अगर कम हो तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम हो। ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम के अंदर रेस की वेलोसिटी कितनी है उसके ऊपर से फाइंड कर सकते हो, वो हम बाद में देखेंगे। हमने ये वाला इक्वेशन लास्ट चैप्टर में देखा था, सी बाई वी, अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, मीन्स व्हाट, अगर यहाँ पे लेस डेंसर मीडियम है तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से निकल जाएगा, अगर वेलोसिटी कम है मीन्स यहाँ पे ज्यादा डेंसर मीडियम है, बट वो डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। अटेंशन यहाँ पे रखना मैं जो समझा रहा हूँ उसके अंदर, ओके। तो जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी को एक साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी कुछ और चीज है, ये एक्स्ट्रा बात है, मार्क्स के लिए नहीं है, बट समझ लो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, टर्पेंटाइल ऑयल या फिर कोई भी ऑयल, आपको पता है ऑयल की डेंसिटी मास की डेंसिटी से कम है, ओ सॉरी, वाटर की डेंसिटी से कम है, कौन सी, मास डेंसिटी, ऑयल की मास डेंसिटी वाटर की मास डेंसिटी से कम है, मीन्स व्हाट, ऑयल पानी के ऊपर तैरेगा, बट ऑयल की ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी से ज्यादा है, वाटर जितनी सॉरी रेस जितनी स्पीड में वाटर के अंदर ट्रैवल करेगा उससे कम स्पीड से ऑयल के अंदर ट्रैवल करेगा, ऑयल के अंदर वो रेस को पकड़ लेगा अपने अंदर, उसकी डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। तो याद रखना ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी सेम चीज नहीं है, ओके। मास डेंसिटी से ये पता चलता है कि कोई सी कंटेनमेंट के या फिर किसी एरिया या फिर किसी वॉल्यूम के अंदर मास कितना है, और ऑप्टिकल डेंसिटी से ये पता चलता है कि वो कितना अपोज कर रहा है रे को, अपने अंदर कितनी देर तक रखा रहा है, अपोज कर रहा है या फिर कितनी देर तक अपने साथ पकड़ के रख रहा है, ओके। मुझे ये क्लियर करना था। चलो, तो ये हमने कब बेंड होगा उसके बारे में पढ़ लिया,
जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है मीडियम की, अगर इस वाले मीडियम से ये वाले मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो रेज जो है नॉर्मल की ओर बेंड होगा, अगर फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो रेज जो है वो नॉर्मल से अवे की ओर बेंड होगा। इतना क्लियर कर लिया। फिर हमने ये स्नेल इक्वेशन भी देखा, एक्चुअली में ये नहीं याद रखना हमने क्या बताया वो वाला, याद है ना। अब एक और चीज बतानी है, अगर मैं एन वन टू लिखू मीन्स वॉट, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, अगर मैं ये लिखू तो ये हो जाएगा अपोजिट टू दी एन टू वन। वाई? क्योंकि एन वन टू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एन वन बाई एन टू, और एन वन को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले आओ तो ये हो जाएगा मेरा एन टू वन। तो ये भी याद रख लेना, कभी इसकी भी जरूरत पड़ जाए। समझ में आ रही है? चलो तो अभी हमने रेस रिफ्रेक्शन के बारे में, इसके प्रिंसिपल, इक्वेशन, ये सारी चीजें, ये चीजें, फिर ऑप्टिकल डेंसिटी क्या, सारी चीजें बात कर ली। अब हमारे पास टाइम है, अभी भी हमारे पास 10 मिनट है, तो हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे रिफ्रेक्शन के, नेचुरल एग्जाम्पल या फिर टेक्निकल एप्लीकेशन। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, चलो जल्दी से, बहुत ही आईएमपी चीजें देखने वाले। लेटरल शिफ्टिंग के बारे में देखेंगे, फिर एक और चीज देखेंगे अपेरेंट हाइट के बारे में, और फिर देखेंगे कि क्यों सन 2 मिनट पहले सनराइज से, एक्चुअल सनराइज से पहले सनराइज हो जाता है, 2 मिनट पहले दिखना शुरू हो जाता है, और सनसेट के बाद भी 2 मिनट तक क्यों दिखता है। ये सारी चीजों के बारे में एकदम स्पीड से डिस्कस करेंगे। मुझे स्पीड नहीं चाहिए इस वाले चैप्टर के अंदर, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो अटेंशन यहाँ पे रखना। अगर सारी चीजें नहीं भी हुई चलेगा, इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी नहीं हुआ चलेगा, अटेंशन यहाँ पे रखना, ये नहीं जाना चाहिए। ओके, तो चलो सबसे पहले देखते हैं लेटरल शिफ्टिंग के बारे में। तो उससे पहले मुझे एक और चीज दिखानी थी, अगर मुझे एम थ्री टू चाहिए तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, नहीं, एन वन टू। अगर ये लिखू, देखो एन थ्री बाई एन वन इंटू एन वन बाई एन टू, ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा एन थ्री बाई एन टू, यही हो जाएगा। तो चलो इसके ऊपर से एक मैं और चीज दिखाऊंगा आपको लेटरल शिफ्टिंग के बारे में। अगर मेरे पास कोई थर्ड मीडियम भी होता है, ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास कोई थर्ड मीडियम भी होता है तो थर्ड मीडियम का रिफ्लेक्शन इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम क्या होता है। अगर मुझे फर्स्ट और थर्ड मीडियम का ये पता है और फर्स्ट और सेकेंड का पता है, तो उससे मैं थर्ड और सेकेंड का भी ढूंढ सकता हूँ। ये एक चीज मुझे और दिखानी रह गई थी। अब हम बात करेंगे लेटरल शिफ्टिंग या फिर पीछे से मुड़ना, जैसे गुजरात हिंदी में बोलते थे, ये होगा। अगर ये मेरी रेस है, जो एक्चुअल रेस है वो ऐसे ट्रैवल कर रही है, अगर मैं इसके बीच में कोई और मीडियम रख दूं, सोचो कि मैंने ग्लास को रख दिया, सोचो मैंने एक ग्लास है उसे यहां पे रख दिया, तो उससे क्या होगा, जैसे ही ये एयर मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, एयर का, ये ग्लास का मीडियम है, तो ये इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी इससे, फिर से ये एयर मीडियम है। अटेंशन यहां पे रखना, लेटरल शिफ्टिंग के बारे में बताने वाला हूं। तो हमें हर बार क्या चाहिए, इंसिडेंट पे नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल यहां पे भी नॉर्मल चाहिए। अब क्या करेंगे, एक्चुअली में ये रेस नहीं है, अभी इसे बैकडेट कर देंगे, जैसे ही हमने मीडियम रखा यहाँ पे, ये रेस वो ओरिजिनल रेस नहीं रहा, क्यों, क्योंकि अब तो रिफ्लेक्शन होगा, तो देखते जाना अब ये रेस क्या करेगा, नॉर्मल के टुवर्ड्स मूव करेगा या फिर नॉर्मल से अवे मूव करेगा, तो नॉर्मल के टुवर्ड्स मूव करेगा। वाई वाई, डेंसर मीडियम है, इस मीडियम से इससे ये मीडियम सेकेंड मीडियम डेंसर है, तो डेंसर मीडियम होने की वजह से ये टुवर्ड्स मूव करेगा, तो ये हो जाएगा, अगर ये मेरा इंसिडेंट एंगल आई है तो ये हो जाएगा मेरा रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से फिर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए मैं आर वन बोलूंगा इसे, तो यहाँ पे नॉर्मल नहीं चाहिए, जहां पे एक्चुअली में मेरा रेस ये हो गया मेरा फिर से नॉर्मल। अब जो ओरिजिनल जाना चाहिए उससे टुवर्ड्स, नॉर्मल के टुवर्ड्स और मूव करेगा या फिर नॉर्मल से दूर की ओर मूव करेगा, अभी नॉर्मल से दूर की ओर मूव करेगा, क्यों, क्योंकि डेंसर मीडियम से हम रेरर मीडियम में या फिर हायर डेंसर मीडियम से लेस डेंसर मीडियम के अंदर हम जा रहे हैं, तो हम नॉर्मल से अवे की ओर मूव करेगा, और ये हो जाएगा उसकी एक्चुअली में फाइनल रेस। तो ये अगर मेरा नॉर्मल है तो इस डायरेक्शन में तो जाएगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा मेरा बाहर के एंगल, इसे ई बोल रहे, अभी आपको ये नहीं पता है, इतना याद रखो। अगर मैं इसे आर टू बोलू, अगर ये मेरा आर टू है,
तो ध्यान से देखना एक चीज, ये जो आर टू है वो मेरा फाइनल रिफ्लेक्शन के बाद का एंगल है, और ये जो आर वन है वो मेरे फर्स्ट रिफ्लेक्शन का एंगल आर वन है, और दूसरी चीज ये जो है मेरा इंसिडेंट एंगल है। तो एक चीज ध्यान से देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल जैसे दिख रही है, क्यों? उसके पीछे का मेन रीजन है ये जो मेरा इंसिडेंट एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, और ये जो मेरा फाइनल रिफ्लेक्शन एंगल है आर टू हॉरिजॉन्टल के साथ, क्या वो दोनों सेम है? आई इज इक्वल टू आर टू है, यस। अगर आई इज इक्वल टू आर टू है तो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है दोनों पैरेलल होगी। बट जब ये मीडियम यहां पे नहीं था तब जो ओरिजिनल रे था वो थोड़ा बहुत नीचे आके फिर से जा रहा है। देखो ये ओरिजिनल जाना चाहिए था, बट अब क्या हो रहा है? रिफ्रेक्शन, फिर से रिफ्रेक्शन। तो ये ओरिजिनल लाइन से थोड़ा बहुत डिनोमिनेटर, सॉरी, थोड़ा बहुत नीचे चला गया और फिर से यहां से जा रहा है। तो ये जो ओरिजिनल लाइन से इतना नीचे चला गया, उसी को इस वाले डिस्टेंस को यहां पे ड्रॉ करो या फिर यहां पे ड्रॉ करो, इस वाले डिस्टेंस को हम शिफ्ट, इस वाले डिस्टेंस को हम शिफ्ट या फिर लेटरल शिफ्ट, ओके, लेटरल शिफ्ट या फिर शिफ्ट बोलते हैं। तो ये शिफ्ट है, स्विफ्ट नहीं है, मैं स्विफ्ट अभी प्रोनाउन किया इसलिए। स्विफ्ट मीन्स ड्रैग होना और शिफ्ट मीन्स अपनी जगह से खिसक जाना, समझ में आ रहा है? तो ये ओरिजिनल रेस इतने दिनों इतना नीचे होके जा रहा है इसलिए इसे लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। तो ये लेटरल शिफ्ट आपको एक्सप्लेन हुआ? अगर किसी और मीडियम को रखोगे और आपको अगर प्रिंसिपल मालूम है कि कब नॉर्मल की टुवर्ड्स मूव होगा और कब नॉर्मल से अवे मूव होगा, तो आप आसानी से ये फिगर ड्रॉ कर सकते हो। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है रिफ्रेक्शन का, और हमारे टाइम के इसके ऊपर पूरी थियरी थी। हमें लेटरल शिफ्टिंग, उससे डिस्टेंस को एक्स बोलते थे, उसे फाइंड करना है। आपके लिए अच्छा है कि ये नहीं है, उसके लिए हमें सिर्फ ये जो हमारा ग्लास मीडियम है उसकी डेंसिटी चाहिए। अगर इसी इसकी थिकनेस मुझे मालूम है तो मैं आपको आसानी से करके दिखा सकता हूँ, बट अभी इसके लिए टाइम नहीं है। हमें फिर से दो ट्राइंगल चाहिए। देखो मैं फिर से यहाँ पे दो ट्राइंगल बनाता, कैसे करता वो सब अभी नहीं दिखाना है। चलो ये हो गया लेटरल शिफ्ट के बारे में, और सेकेंड जो थिंग मुझे बतानी है वो अपेरेंट हाइट के बारे में। टाइम है, अभी भी टाइम है, यहाँ पे देखते रहना। अगर आपका लेक्चर है तो मुझे बता देना, कोई और लेक्चर है तो बता देना, लेक्चर है तो बता देना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, बहुत ही अच्छी चीज है लेटरल शिफ्टिंग के बारे में। तो याद रखना, अपनी डायरेक्शन से डाउन में या फिर अप में चले जाना, उससे बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। वही डायरेक्शन, डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, बट शिफ्ट हो गया थोड़ा बहुत। ओके चलो इसे इरेज कर रहा हूं, रिवीजन करो। चलो अब देखेंगे हम सेकेंड थिंग जो है वो अपेरेंट अपेरेंट हाइट, एपरेटस के अपरेंट अपरेंट हाइट। अभी मुझे नहीं मालूम इसे एपरेटस या अपरेंट अपरेंट हाइट ही बोलते हो। ओके याद रखना, इस वाले पॉइंट के ऊपर से जेडबली नीट गुचकेट के अंदर एग्जांपल आते हैं अपरेंट हाइट के अंदर। हमें दो जगह से देखना है, नॉर्मल से और दूसरी चीज ऑब्लिक्यू या फिर कोई एक ऑब्लिक्यू एंगल के ऊपर से हमें देखना है। दोनों जगह से हमें लेस डेंसर मीडियम से हाई डेंसर मीडियम में देखना है, और अपेरेंट हाइट क्या होगी उसके बारे में बताना है। ध्यान रखना, मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, देखते रहना। इसके अंदर ये जो है ये हमारा वाटर मीडियम है, अभी ये पूरे की पूरी तरीके से वाटर मीडियम है, ओके, और ये एयर है। तो अभी हम लेस डेंसर मीडियम से हाई डेंसर मीडियम में देख रहे हैं, तो क्या होगा बता? आपने अभी कभी अपनी टैंक के अंदर देखा है? तो टैंक को देखोगे तो ओरिजिन में थोड़ी बहुत ऊपर आई हुई ऐसा लिखेगा। जैसे आप अंदर पैर रखोगे या फिर हाथ लगाओगे या फिर किसी किसी डोल के अंदर देखो तो क्या पता चलेगा? आपको पता चल जाएगा कि वो एक्चुअली में जो हाइट है उससे थोड़ा ऊपर हुआ, आया हुआ, उठा हुआ लगता है। तो वही चीजें मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये मेरा ओरिजिनल, मेरी जो ये क्या है, हमारा सरफेस है, ये जो हमारी लास्ट वाली सरफेस है, ये सरफेस का पॉइंट ये है। यहां से अगर रेस बाहर निकल रहे, हम दो रेस से बता सकते हैं ऑब्जेक्ट को, तो देखते रहना। अगर रेस यहां से बाहर निकल रहे तो ये मूव करके हायर डेंसर मीडियम से लोअर डेंसर मीडियम दूर की ओर जाएगा, फिर से यहाँ पे भी फिर से नॉर्मल, ओ सॉरी थोड़ा नॉर्मल दूर हो गया। देखो यहाँ पे सिर्फ देखते रहो, आपको सीखना हर चीज। हायर डेंसर मीडियम से लोअर डेंसर मीडियम, फिर से दूर की ओर जाएगा। अगर मैं यहां से देखूंगा, अगर ये मेरी आईज है, यहां से अगर मैं नीचे की ओर देख रहा हूं, देखो मैं अच्छे से आईज नहीं ड्रॉ कर पाया हूं, बट याद रखना, अगर मैं यहां से नीचे की ओर इस सरफेस को देख रहा हूं, तो एक्चुअली में जो ये सरफेस में से रेस बाहर निकल रहे हैं
वो इस तरीके से जा रहे हैं, तो कहां पे इकट्ठे होंगे? याद रखो स्ट्रेट लाइन पे जहां पे वो इकट्ठे होंगे, जहां पे वो स्ट्रेट लाइन पे डाइवर्ज होके जहां पे इकट्ठे होंगे वहां पे मुझे इमेज दिखेगी। तो याद रखना, अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे ये वाली सरफेस यहां पे दिखेगी, यहां से देख रहा हूं तो ये वाली सरफेस यहां पे दिखेगी। तो ये जो हाइट है वो मेरी एच डैश, या फिर इमेज हाइट, या फिर उसे अपेरेंट हाइट भी बोलते हैं, ये मेरी ओरिजिनल हाइट है। टैंक की जो डेप्थ है वो मेरी ओरिजिनल हाइट है, और जितनी हाइट पे मुझे इमेज दिख रही है ये मेरी अपेरेंट हाइट है। तो ये अपेरेंट हाइट ढूंढने वाले बहुत ही हार्ड हार्ड क्वेश्चन। ये तो एक ही मीडियम है, वाटर के ऊपर ऑयल मीडियम, ऑयल के ऊपर एयर मीडियम, ऐसे तीन चार मीडियम होते हैं, फिर हमें ढूंढना होता है। हार्ड हार्ड होता जाएगा, बट बेसिक प्रिंसिपल यही है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? थोड़ा बहुत उठा हुआ दिखेगा। अभी यहां से नॉर्मल से नहीं देखेंगे, ये हमारा नॉर्मल था, हमने नॉर्मल से देखा था, अब कोई एंगल से देखते हम लोग। सोचो हम यहां से इस तरीके से देख रहे अभी इस वाले पॉइंट को, तो देखते रहना, अटेंशन यहाँ पे बनाए रखना। मैं फिर से आपको, अगर इस वाले चैप्टर के अंदर मैंने पहले भी बताया था, अगर अच्छे से फिगर ड्रॉ करने आ गया, हर एक लाइन परफेक्ट ड्रॉ कर रहे हो तो कभी गलती नहीं होगी। तो देखते रहना, पहली चीज इस तरफ जा रहा है नॉर्मल से, और भी दूर की ओर जाएगा, जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उससे भी और दूर की ओर जाएगा, एंगल ज्यादा हो जाएगा इंसिडेंट एंगल से। और दूसरा मैं यहाँ पे एक दिखा रहा हूं, अगर ये वाली चीज है तो ये भी नॉर्मल से इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इससे भी और दूर की ओर जाएगा, तो मुझे यहाँ पे आइस रखनी थी। चलो मैंने आइस पहले गलती से यहाँ पे रख दी, इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पे आइस है मेरी, तो आइस से अगर मैं ये इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ तो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा? ये जो रेस बाहर निकल गए ना, इसको पीछे की ओर खींचो। ओ मैंने गलती कर दी, इसको इस तरफ दिखाना था। चलो चलो चलो, एक गलती हो गई फिर से, अटेंशन यहाँ पे रखना, मैंने गलती कर डाली, इस वाले रेस को मैं इरेज कर रहा हूँ। चलो मैंने जो रखा था ना वो सही जगह पे था, अटेंशन रखना थोड़ा थोड़ा, इस वाले को इस डायरेक्शन में, जिससे एक जगह पे इंटरसेक्ट हो। देखो मैंने क्या बताया था, एक ऑब्जेक्ट के अंदर से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस बाहर निकल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेस, तो मैं कोई भी रेस कहीं पे भी दिखा वो चलेगा। ओके अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल से नहीं देख रहा हूं, इसे एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन से नहीं देख रहा हूं, किसी और जगह से देख रहा हूं, तब ये मेरी ऑब्लिक एंगल हो गया। तब क्या होगा, इस रेस को पीछे ले जाओ, हम दो रेस से, मैंने सिर्फ दो रेस ही क्यों दिखाए, मैंने आपको आगे बताया हुआ है रिफ्लेक्शन या रिफ्रेक्शन की पहली ही डेफिनेशन मैंने लिखी थी, क्या अगर मिनिमम दो रेस एक जगह पे इंटरसेक्ट हो रहे कन्वर्ज होके या फिर डाइवर्जन से, तो वो पॉइंट के ऊपर हमें इमेज दिखेगी, ये वर्चुअल इमेज है। तो देखो ये वाली हाइट जहां से मुझे इमेज एक्चुअली में, ये वाली सरफेस इसे यहाँ पे दिखेगी इस आइस से, तो ये जो हाइट है वो मेरी अपेरेंट हाइट एच डैश है, और ये जो है मेरी ओरिजिनल हाइट एच है। तो देखो मैं अभी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक वाली फॉर्मूला दिखाने वाला हूँ, ये मेरी आज तक की सबसे बेस्ट फॉर्मूला इस वाले चैप्टर के अंदर मैंने ट्रिक बनाई हुई है। मैंने बहुत सारे सम्स किए, बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर देखा, सब लोग अपनी अपनी तरीके से दिखाते, सब लोगों ने लिखा होगा कि एच अपन एच डैश करो तो, और इस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के अंदर इस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करो, ये सारी चीजें मैंने एक बहुत ही अच्छी फॉर्मूला डिराइव करके रखी हुई। याद रख लो एच डैश अपन एच, हम हर बार एच डैश अपन एच ही करते, ये तो मालूम है, अभी एक ही बार आया हमारा, पूरा चैप्टर खत्म होगा तो हम हर बार एच डैश अपन एच ही करेंगे, क्यों? मैग्निफिकेशन एच डैश अपन एच, तो हमें एच डैश अपन एच इज इक्वल टू, ये याद रखना, एन आइस अपन एन ऑब्जेक्ट, ये मैंने डिराइव करा के रखा, इसके लिए मुझे प्राउड फील होता है। ओके देखना कहीं और कोई भी और भी सर निकाल सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करोगे ना इस चैप्टर की, इस वाले टॉपिक की, तो आ जाएगा। तो याद रखो एच डैश अपन एच इज इक्वल टू एन आइस अपन एन ऑब्जेक्ट, मीन्स वॉट, अगर मुझे अपेरेंट हाइट चाहिए ये वाली, स्पेशली ये वाला केस जहां पे किसी और मीडियम से किसी और मीडियम में देख रहा हूं, तो एच डैश अपन एच इज इक्वल टू एन आइस अपन एन ऑब्जेक्ट, एन मीन्स रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, आइस मीन्स जहां से मैं देख रहा हूं उस पॉइंट का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जहां पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस वाले पॉइंट का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो देखो यहाँ पे अगर ये फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम है, तो अब ये हो जाएगा एन वन अपन एन टू, तो ये हर बार नहीं याद रखना है कि जब यहां से दिख रहा हूं तब एन वन अपन एन टू याद रखो, या यहां से दिख रहा हूं तब एन टू अपन एन वन याद रखो, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक एग्जाम्पल ऐसा होता है जिसमें यहाँ पे एक ट्री होती है, देखना है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर, यहाँ पे एक ट्री होती है और यहाँ पे एक फिश होती है, फिश, ओके, ये फिश की आईज से वो ट्री को देख रही है,
फिश की आई से वो ट्री को देख रही है, मींस व्हाट, अभी डांसर मीडियम से ये वाले मीडियम में देखेगा तो अभी इसको ट्री थोड़ा और ज्यादा ऊपर दिखेगा, तो ये एच डैश अभी लंबी हो जाएगी और एच जो है वो भी छोटी हो जाएगी, वो हम जब एग्जांपल आएगा तब देखेंगे, बट रूल्स यही है, एच डैश अपन एच इज इक्वल टू एन आईस अपन एन ऑब्जेक्ट, बट तब यहाँ पे आ जाएगा एन टू बाय एन वन, तो हर बार दो अलग अलग केस याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज याद रखो इस वाली इक्वेशन के अंदर कि एच डैश अपन एच अपेरेंट हाइट अपन ओरिजिनल हाइट इज इक्वल टू एन आईस अपन एन ऑब्जेक्ट, ये ओरिजिनल फॉर्मूला नहीं है, एग्जाम में कभी भी ये मत लिखना, जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना, ये सिर्फ ट्रिक है याद रखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक है कि जहां से आप देख रहे हो अभी फिश देख रही है तो फिश का मीडियम होगा वो एन आईस हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट ट्री है तो ट्री का मीडियम है वो एन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्लियर हो रहा है? चलो अभी टाइम खत्म हो गया, चलो मेरा एक चीज रह गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, चलो कोई नहीं कल स्टार्ट करेंगे उसी से, स्लोली पढ़ाएंगे तो यही होगा हर बार, याद रख लेना है ये चीज, अपेरेंट हाइट के बारे में मैंने जितना भी हो सके यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, और मुझे नोट्स चाहिए ये लिखना है अच्छे से, फिगर ड्रॉ करना बहुत मेहनत लगी इसके अंदर, ऐसे रफ 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 काम मत कर देना, जो दिख रहा है वैसे ही कॉपी मत करना, अपना दिमाग लगाना थोड़ा बहुत, चलो बाय बाय, आज मैंने शायद थोड़ा ज्यादा डांट दिया आप लोगों को, माफ करना ऐसा हो तो, किसी को बुरा लगा हो तो, बट ध्यान देना यहाँ पे ज्यादा, ओके चलो कल हम मिलेंगे फिर से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मुझे पढ़ाना था पर वो रह गया, तो हम कल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर एक पॉइंट बाकी है सन के बारे में, वो बाद में देख लेंगे, चलो चलो बाय बाय।